नमस्कार, मैं हूं अभिषेक चंद्रा और आप देख रहे हैं livecities.in। पिछले एक हफ्ते से लाइव सिटीज ने बिहार के वैसे लोगों के लिए एक मुहिम चला रखी थी जिन्होंने सहारा इंडिया परिवार में अपने बड़े पैसे को अपने पैसों को इन्वेस्ट कर रखा था। इन निवेशकों की चिंता की लकीर बढ़ी हुई थी क्योंकि एक हफ्ते पहले ही सहारा इंडिया ने एक विज्ञापन देते हुए बिहार के वैसे निवेशकों को कहा था कि उनको लौटाने के लिए, यानी उन निवेशकों को लौटाने के लिए सहारा इंडिया परिवार के पास एक भी पैसा नहीं है और वो निवेशक जो हैं शांति से रहें, अगर वो शांत नहीं रहेंगे तो उन्हें नुकसान भी हो सकता है। ये धमकी भरा जो विज्ञापन है सहारा इंडिया ने आज से करीब एक हफ्ते पहले बिहार में दिया था और उसके बाद से ही आपका अपना न्यूज़ प्लेटफॉर्म लाइव सिटीज इस मुहिम में जुट गया था कि जो सरकार तक ये बात पहुंचे, जो राज्य की सरकार है, राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन है, उस तक बात पहुंचे और बिहार के वैसे नागरिक जिन्होंने कि सहारा इंडिया में अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा लगाया हुआ है उनके पैसे जो हैं उन तक वापस उनको मिल पाए। हमारी इस मुहिम ने कहीं ना कहीं अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है और आज इसी मामले में एक बड़ी राहत की खबर ऐसे निवेशकों को लाइव सिटीज अपने पटना न्यूज़ रूम से बता रहा है जो कि सहारा इंडिया में बड़े पैसे जो हैं अपने पैसों को लगाकर बैठे हुए हैं और उनको पाने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। हम बताते चले कि बिहार पुलिस के ADG हैं JS गंगवार साहब। JS गंगवार ADG इकोनॉमिक ऑफेंस हैं और जो लाइव सिटीज की लगातार मुहिम चली है उसके बाद सरकार ने गंगवार साहब के माध्यम से अपना जो रुख है वो स्पष्ट किया है। गंगवार साहब ने बताया कि किसी भी सिंगल निवेशक का जो है सहारा इंडिया परिवार में जो बिहार की सरकार है वो एक भी पैसा डूबने नहीं देगी। तो ये एक बड़ी राहत की खबर है जो कि बिहार सरकार जो है बहुत सारे स्टेप्स आने वाले दिनों में ले रही है, बहुत सारे कदम उठा रही है उन लोगों के लिए, उन वैसे निवेशकों के लिए, वैसे इन्वेस्टर्स के लिए जो कि पिछले दो दशकों में जिन्होंने सहारा इंडिया में अपना पैसा लगाया हुआ है। हम बताते चले कि JS गंगवार जब बात कर रहे थे तो JS गंगवार ने कहा कि सभी 38 जिलों में जिलाधिकारी को इस बात का स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि सहारा इंडिया परिवार से पीड़ित कोई भी निवेशक अगर उन तक आता है तो उनकी बात को सुना जाए, उनकी बात को समझा जाए और जो भी एक्शन जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो जिलाधिकारी है वो ले सकता है वो ले। इसके बारे में JS गंगवार ने एक बात और बताया कि हमारी जो बैठक है, हमारी जो हाई लेवल की मीटिंग है इस मामले में पहले भी हो चुकी है और आने वाले दिनों में भी इस पर बैठक जो है सहारा इंडिया वाली प्रॉब्लम को लेकर के, इस समस्या को लेकर होने वाली है। लेकिन ADG हैं, ADG बहुत बड़े रैंक के IPS अफसर होते हैं, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उनकी बातों में गंभीरता जरूर होगी। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जो सभी 38 जिलाधिकारी हैं उनको स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है, स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है और सहारा इंडिया को अपने सभी निवेशक को पैसा लौटाना ही होगा। ये एक कड़ा संकेत जो है कहीं ना कहीं बिहार सरकार की तरफ से, बिहार के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिल रहा है कि सभी जिलाधिकारी के पास इस बात के इंस्ट्रक्शन मिल गए हैं और इस बाबत जो है जल्द ही जो बिहार सरकार है अपने विज्ञापनों के जरिए भी लोगों को सूचित करेगी। अगर आप सहारा इंडिया में पैसे लगा करके पीड़ित हैं तो आप अपने संबंधित जिलाधिकारी से संपर्क कीजिए, जो आपके DM होंगे आपको कहीं ना कहीं एक रास्ता दिखाएंगे। और इस मामले में जो बिहार सरकार का रुख आ रहा है, लाइव सिटीज के लगातार जो न्यूज हम चला रहे हैं, आप हमारे वेबसाइट्स पे जाइए, पिछले एक हफ्ते में हम लोगों ने एक बाढ़ सी लगा दी है सहारा इंडिया परिवार में जो पैसे डूबे हुए हैं बिहार के लोगों को उनको वापस दिलाने की। तो हमारी ये मुहिम जो है कहीं ना कहीं रंग लाती हुई सामने नजर आ रही है और अब बिहार सरकार जो है एक्शन में है, बिहार गवर्नमेंट, बिहार का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक्शन में है, सभी जिलाधिकारियों को इस बात का स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है। बड़ी बात है, सरकार अगर सजग है, सरकार विज्ञापन दे रही है इस मामले में, DM को इंस्ट्रक्शंस दे रही है, मीटिंग कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जरूर जगी है कि आने वाले दिनों में जो वैसे निवेशक जो कि बिहार के परेशान हैं उन्हें सहारा इंडिया से पैसे वापस मिल पाएगा। एक बड़ी बात है, कुछ स्पष्ट जो संकेत है बिहार सरकार ने दे दिए हैं। बिहार सरकार ने कहा कि हर हाल में सहारा इंडिया को बिहार के निवेशकों का पैसा लौटाना होगा। आप अपने DM से मिलें,
आप अपने जिलाधिकारी से मिलें, जिलाधिकारी को इस मामले में इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं और हर हाल में सहारा इंडिया को आपका एक एक पाई वापस आपको करना पड़ेगा। एक बात गंगवार साहब ने और बोली कि अगर सहारा इंडिया आपको कंपेल कर रहा है, आप पर प्रेशर बना रहा है कि उन्हीं पैसों को आप उन्हीं की संस्था में फिर से री इन्वेस्ट करें, तो ऐसा सहारा नहीं कर सकता है। सहारा को हर हाल में पाई पाई जो है अपने निवेशकों को चुकाना पड़ेगा, उनको वापस करना पड़ेगा। एक विज्ञापन जो कि पिछले सहारा इंडिया की तरफ से पिछले एक हफ्ते में बिहार के लोगों की चिंता बढ़ा दी थी, कहीं ना कहीं आज हमें भी इस बात का फक्र महसूस हो रहा है लाइव सिटीज के पटना न्यूज रूम में कि हमारे जो तमाम हमारी खबरें चली हैं, एक मुहिम चला है, इस मुहिम के बाद कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर जो है बिहार के उन सहारा इंडिया परिवार के निवेशकों के बीच में जरूर आई है और एक अच्छी खबर है। हम भी उम्मीद करते हैं लाइव सिटीज के पटना न्यूज रूम से कि जो सहारा इंडिया के निवेशक बिहार में हैं उनके पैसे जो है जल्द वापस होंगे। अभिषेक चंद्रा, लाइव सिटीज, पटना।